Hey guys, thank you so much for coming back. कैसे हैं आप बच्चे लोग सारे? मेरा नाम है सुनील अधिकारी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल स्टूडेंट कैन आई हेल्प यू। चलिए बच्चों लोग स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। देखिए आज के वीडियो में एक खास टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होने वाला है। जिन बच्चों को भी म्यूजिक फील्ड में इंटरेस्ट है, जी हाँ सिंगिंग का शौक है, वोकलिस्ट बनना है, म्यूजिक डायरेक्टर बनना है, तो आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है क्योंकि आज हम ऐसी फील्ड के बारे में बात करने वाले हैं जिनके बारे में बहुत ही कम बच्चे और पेरेंट्स जानते हैं। तो आज के वीडियो में बात करेंगे बीए म्यूजिक के बारे में। ये एक मतलब रेगुलर डिग्री का कोर्स है जिसको आप 12th के बाद परस्यू कर सकते हैं और अपना म्यूजिक फील्ड में सिंगिंग टैलेंट है, अच्छा गाते हैं और म्यूजिक फील्ड में ही आपको कैरियर बनाना है तो आप स्टडी के थ्रू भी, एजुकेशन के थ्रू भी ऑफिशियल तरीके से म्यूजिक इंडस्ट्री में अपना कैरियर बना सकते हैं, राइट। चलिए बीए म्यूजिक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले फुल फॉर्म से स्टार्ट करूंगा, बैचलर ऑफ आर्ट्स इन म्यूजिक। कई बच्चे सोचेंगे सर बीए तो आर्ट्स वाले ही करते हैं। हाँ काफी हद तक ठीक है, लेकिन ये जो कोर्स है इसको कॉमर्स वाला भी, साइंस वाला भी, आर्ट्स वाला, तीनों बच्चे कर सकते हैं। बैचलर ऑफ आर्ट्स बीए के अंदर बहुत सारी स्पेशलाइजेशन होती है, उसमें से एक स्पेशलाइजेशन हमारी है म्यूजिक की। तो जिन बच्चों को भी म्यूजिक लाइन में इंटरेस्ट है वो 12th के बाद अपना बीए इन म्यूजिक कर सकते हैं। ये एक हमारा बीए ऑनर्स की कैटेगरी का हमारा ये कोर्स होता है, राइट। ड्यूरेशन की बात करें तो 3 साल का हमारा ये कोर्स रहता है और लेवल इसका अंडर ग्रेजुएट रहता है। दैट मीन्स 12th के बाद जब आप कोई भी कोर्स करते हैं, डिग्री कोर्सेज की अगर आप बात करें तो वो अंडर ग्रेजुएट लेवल पर ही रहते हैं। आगे अगर देखें, एलिजिबिलिटी देखें तो यहां पर 10+2 आपका होना चाहिए, स्ट्रीम मैटर नहीं करती। जैसे मैंने आपको बताया आर्ट्स वाले, साइंस वाले या फिर कॉमर्स वाले, तीनों ही बच्चे बीए इन म्यूजिक को दे सकते हैं। 50% मिनिमम अगर आपकी है तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। एडमिशन की भी यहां पर हम बात कर लेते हैं। देखिए मेजोरिटी ऑफ द कॉलेजेस मेरिट बेसिस पे, दैट मींस 12th में कितनी अच्छी परसेंटेज आपकी बनी है उसके बेसिस पर आपको एडमिशन दे देते हैं। नहीं तो कई कई चुनिंदा कॉलेजेस अपना खुद का एंट्रेंस लेते हैं, उसके बेसिस पर आपको एडमिशन प्रोवाइड कराते हैं। सिंपल हो रहा है, एम आई मेकिंग सेंस? आगे देखते हैं। चलिए एवरेज कोर्स फी कितनी रहती है। एवरेज मैंने ली है नियर अबाउट 40,000 पर ईयर रहती है। तो 3 साल का आपका ये कोर्स है, नियर अबाउट इससे बहुत कम भी हो सकती है, 20-25 भी हो सकती है और इससे स्लाइटली अबव थोड़ी ज्यादा भी हो सकती है, पर ईयर आपका ये फीस रहती है। सेमेस्टर सिस्टम चलते हैं, साल में 2 सेमेस्टर आपको देने पड़ते हैं। देखिए अब यहां पर आपको एक स्पेशलाइजेशन या स्पेशलाइज्ड होने का भी मौका मिलता है। तो वेरियस इंस्ट्रूमेंट होते हैं, आपको हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, म्यूजिक के बारे में सब कुछ पढ़ाई जाती है, उसमें से ही कहीं ना कहीं आपको कई इंस्ट्रूमेंट में स्पेशलाइज होने का भी मौका मिलता है। उनमें से जैसे वॉयलिन है, तबला है, संतूर है, शहनाई है, सारंगी है, गिटार है, तो ऐसे कई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनमें आप अगर इंटरेस्ट दिखाते हैं तो उनमें आप स्पेशलाइजेशन भी ले सकते हैं, राइट। चलिए जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करें। समहाउ जब आप बीए म्यूजिक कंप्लीट कर लेंगे तो आपके पास कौन कौन सी वो अपॉर्चुनिटीज है, प्रोफाइल है, वर्क एरियाज है जहां पर आप ट्राई कर सकते हैं। देखिए म्यूजिक डायरेक्टर आप बन सकते हैं अगर आपको बहुत अच्छी खासी समझ हो गई है इस दौरान, बीए म्यूजिक करते हुए दौरान, तो आप म्यूजिक डायरेक्टर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। म्यूजिक डायरेक्टर खुद के लिए कंपोज कर सकते हैं, खुद के लिए बना सकते हैं या फिर टीवी, म्यूजिकल इंडस्ट्री, फिल्म्स वगैरह के लिए, राइट, वहां पर भी आप काम अपना प्रोवाइड करा सकते हैं। वोकलिस्ट मतलब सिंगर, जिसको हम प्लेबैक सिंगर बोलते हैं, आप खुद के एल्बम्स निकाल सकते हैं, आप मूवीज के लिए गा सकते हैं, आप सीरियल्स के लिए गा सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप जानते ही हैं मेरे से ज्यादा, राइट, कि सिंगर्स क्या क्या प्लेटफॉर्म को चुन सकता है, कहाँ कहाँ जाके परफॉर्म कर सकता है। इंस्ट्रूमेंट टीचर बन सकते हैं अगर आपको, एज ए टीचर, एज अ प्रोफेसर भी आप बन सकते हैं, नहीं तो आप इंस्ट्रूमेंट टीचर भी स्कूल कॉलेजेस में बन सकते हैं। टेलीविजन शोज कर सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है इस समय। देन यू हैव अ कंपोजर, आप कंपोज कर सकते हैं म्यूजिक, म्यूजिक डायरेक्टर के जैसा ही ये वर्क प्रोफाइल होता है। देन यू हैव ऑडियो टेक्नीशियन,
ऑडियो की अच्छी खासी समझ आ जाती है, तो ऑडियो इंजीनियर आप बन सकते हैं, ऑडियो कंपोजर आप बन सकते हैं, या टेक्नीशियन आप बन सकते हैं, राइट। तो काफी कुछ देखिए यहां पर जॉब अपॉर्चुनिटीज बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं आपका प्रोफेशनलाइजेशन क्या है। अगर आप एज अ वोकलिस्ट, एज अ सिंगर निकलना चाहते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर या म्यूजिक डायरेक्शन लाइन में आपको क्रेज है, तो आपकी अलग अलग पाथ या अलग अलग प्रोफाइल हो सकती है फ्यूचर में, राइट। आगे देखते हैं कौन कौन से वो अच्छे कॉलेजेस हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं और अपना बीए इन म्यूजिक कंप्लीट कर सकते हैं। भारती विद्यापीठ हमारा यूनिवर्सिटी है पुणे में, मिरंडा हाउस हमारा बहुत ही फेमस कॉमर्स का नंबर वन पूरे इंडिया में कॉलेज है मिरंडा हाउस। न्यू दिल्ली रामजस कॉलेज हमारा न्यू दिल्ली में है, आईपी कॉलेज फॉर वुमेन न्यू दिल्ली में है। क्रिस्ट यूनिवर्सिटी हमारी बेंगलोर में है, हिंदू कॉलेज हमारा न्यू दिल्ली में है, एंड द लास्ट वन इज योर बनस्थली विद्यापीठ हमारी जयपुर राजस्थान में है, राइट। तो ये कुछ चुनिंदा ऐसे कॉलेजेस हैं, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं चुनिंदा, तो यहां पर मैंने लिख रखे हैं स्पेस लिमिटेड होने की वजह से। तो ये कई कॉलेजेस हैं जहां पर आप एडमिशन ले सकते हो, बीए इन म्यूजिक आप कर सकते हैं, राइट। तो इस वीडियो के थ्रू मेरा यही एक पर्पस था कि आपको वेरियस अपॉर्चुनिटीज के बारे में बता सकूं। सिर्फ आपकी पैशन, आपकी हॉबीज, सिर्फ पैशन और हॉबीज बन के रहे ये ठीक नहीं है। सबको मौका मिलना चाहिए अपने पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट करने का। इस चैनल के थ्रू मैं यही करता हूँ, वेरियस कैरियर ऑप्शंस आपको बताता रहता हूँ आफ्टर 10th आफ्टर 12th जो आप कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप अपने पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ जो भी मैंने जानकारी दी होगी सरल भाषा में दी होगी, आपके समझ में आई होगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं आप प्यारे प्यारे बच्चे, ये भी कमेंट करना मत भूलिएगा, बताइएगा मुझे। वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर यहां पर काम अच्छा लगता है वहां पर भी फॉलो करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम का भी ग्रुप है, बहुत सारी जगह हूं यार मैं, सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, चेक ऑन करना मत भूलिएगा। प्लस अब हमने कंसल्टेंसी भी स्टार्ट करी है, बहुत बच्चों के क्वेश्चंस आते हैं कि सर काउंसलिंग सेशन लेना है आपके साथ, तो मैंने एक ऑनलाइन जूम कॉल के थ्रू कंसल्टेशन स्टार्ट करी है। इंटरेस्टेड होते हैं तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में पुट ऑन कर दूंगा, वो चेकआउट करना भी मत भूलिएगा, राइट। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी देना है। थैंक यू सो मच।